लद्दाख देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक उसी तरह अरब सागर की गोद में बसा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ मतदाताओं की संख्या 50,000 से भी कम है। देश के सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप में जहां 47,972 मतदाता हैं, तो सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र मलकाजगिरी में मतदाताओं की संख्या इससे लगभग 62 गुना अधिक है, यानी 29,53,915। ये भी पिछले चुनाव से कम ही है, तब यहां मतदाताओं की संख्या 31 लाख से भी ज्यादा थी। बीते लोकसभा चुनाव तक ये चुनाव क्षेत्र आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, जो राज्यों के बंटवारे के बाद तेलंगाना में चला गया। इसी तरह यहाँ की सांसद माला रेड्डी भी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी से चुनी गई थी, जो तेलंगाना राष्ट्र रक्षा समिति यानी टीआरएस में चले गए। ये लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन के दौरान 2009 में ही अस्तित्व में आया है। यहाँ के पहले सांसद कांग्रेस के सत्यनारायण थे, 2014 में लोगों ने मल्ला रेड्डी को चुना। ये लोकसभा क्षेत्र उन 17 लोकसभाओं में शुमार है जो राज्यों के बंटवारे के बाद तेलंगाना को मिले हैं। दिलचस्प तथ्य ये है कि राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस के प्रमुख एवं राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मौजूदा सांसद मल्ला रेड्डी का टिकट काटकर एम राजशेखर रेड्डी को 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। टीआरएस 3 महीने पहले ही भारी बहुमत के बाद दोबारा राज्य की सत्ता में आई है, उसने सभी 17 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब लोकसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है, इसका पता लगाने के लिए तो मई के चौथे सप्ताह का इंतजार करना होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।